नमस्कार, मेट्रो न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद नगर निगम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने निगम अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि निगम में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ, समाप्त तो अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मूलचंद शर्मा को नगर निगम में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मूलचंद शर्मा ने निगम पहुंचकर अधिकारियों को ये साफ तौर पर संदेश दिया है। वहीं बल्लभगढ़ में आयोजित होली मिलन समारोह में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने बताया कि बल्लभगढ़ में विकास का खाका खींचते हुए शिक्षा और सुरक्षा पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। जल्द शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। ऐसे ही मुद्दों को लेकर मूलचंद शर्मा से खास बातचीत के हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने। अब शहर में सारे क्या है कि स्मार्ट सिटी से मैंने जितना मोहना रोड है, तिकाम रोड है या बाजार के चार चौराहे, अगर कोई आदमी कहने लगे भाई मुझे शर्मा जी यहाँ पे छोड़ गए, हम उसको सारे कैमरे के थ्रू ये कर लेंगे भाई ये आदमी यहाँ से निकला है, ये रात को यहाँ से, वो सारा पूरा शहर कैमरे में है। आज को छिप नहीं सकता कोई आदमी रात कहने लगे जी मैं तो निकला ही नहीं। पूरी जानकारी सरकार के पास है, पुलिस प्रशासन के पास है कि आदमी कहाँ से आया, कहाँ निकल गया। आज पूरे शहर की पूरी जानकारी प्रशासन के पास है कि कोई चोर है, कोई इस तरह की चोरी करता हो, बैड एलिमेंट है, वो रास्ते से बचा। शहर के लोगों के लिए शिक्षा का जिक्र आप कर रहे थे और बेहद महत्वपूर्ण विषय भी है ये। 40 करोड़ से ज़्यादा का आप पैसा इस पर लगा चुके हैं, क्या क्या प्लानिंग थी, कौन कौन कहाँ कहाँ ये पैसा लगाया गया? जहाँ शिक्षा की बात है कि देश की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 40 करोड़ रुपये जो शिक्षा पर खर्च हुआ है, जब बेटियों का कॉलेज है 12 करोड़ की लागत, जब बॉयज़ कॉलेज स्कूल है 9.5 करोड़ की लागत है, जो नया स्कूल बनने जाना है वो 7.5 करोड़ की लागत से, जो सेक्टर 3 में जो स्कूल बन के तैयार हो गया वो अपना 10.5 करोड़ की लागत से, या प्राइमरी 62 में बना या हीरवाड़े में बना या दूसरे स्कूल बने, 40 से प्लस शिक्षा की तरफ हमने रखा कि शिक्षा सबसे पहले है, जिम्मेदारी है सरकार की, और सबसे ज्यादा पैसा भी खर्च होता है शिक्षा और चिकित्सा पर। उधर बल्लभगढ़ ब्लॉक में पंचायत चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर से 1244 मत पेटियां मंगाई गई। बल्लभगढ़ खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार की निगरानी में इन सभी पेटियों को रखवाया गया। पंचायत अधिकारी की माने तो चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तो वहीं जिले में 2 नई पंचायतों का गठन भी किया गया है। जल्दी सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सभी चुनाव कार्यों को पूरा किया जाएगा। ये मतपेटियां जम्मू एंड कश्मीर से आई हैं, 663 एक बल्लभगढ़ ब्लॉक के लिए और 581 तिगांव ब्लॉक के लिए। तिगांव में स्टोरेज ना होने के कारण वो पेटियां भी यहाँ स्टोर की गई हैं। जैसा आपको पता है कि जब पंचायतों के इलेक्शन होते हैं उसमें 4 वोट डाले जाते हैं, एक पंच का, सरपंच का, समिति और जिला परिषद। जो पंच और समिति का इलेक्शन होता है वो बैलेट पेपर के माध्यम से होता है, जिसमें कि ये मतपेटियों का प्रयोग किया जाएगा। इसमें वो निशान में बैलेट पेपर पे निशान लगा के फोल्ड करके इसके अंदर डालते हैं। और जो सरपंच और ज़िला परिषद का चुनाव है उसका ईवीएम के द्वारा होगा, उसमें वोट मशीन। 3 पंचायतें नई बनी थी फरीदाबाद ज़िले में, जिनमें से एक गाँव शहर के अंदर चला गया टिकावली, तो उसको छोड़ के 2 नई पंचायतें बनी है अपने पूरे ज़िले में जी। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, बहुत सारे कार्य होता है, जैसे सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार समयबद्ध तरीके से कार्य चल रहा है जी। थैंक यू। उधर फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक नरेंद्र गुप्ता ने वैक्सीनेशन केंद्रों पर जाकर लोगों से टीका लगवाने की अपील की। लोगों को वैक्सीनेशन कराने को लेकर विधायक ने जागरूक किया। नरेंद्र गुप्ता ने सेक्टर 9 के चर्च में लगाए गए कोरोना वैक्सीन एशियन कैंप में जाकर लोगों से मुलाकात की और उन्हें ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लेने की अपील की। बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार इस महामारी को खत्म करने के लिए काम कर रही है, जिसमें लोगों को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और कोरोना को हराने के लिए अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द महामारी को खत्म किया जा सके। हाँ जी सर,
22 मार्च 2020 को कोरोना महामारी से लड़ाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को एकजुट होने का आह्वान किया था। पीएम के एक आह्वान के बाद पूरे देश में सन्नाटा पसर गया था, लेकिन ठीक एक साल बाद बाजारों में, सड़कों पर पूरी तरह से चहल पहल देखी जा सकती है। इस बीच कोरोना की वेव दोबारा आने के बावजूद लोगों में लापरवाही भी देखी जा रही है। ऐसे में प्रशासन और सरकारें लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता देवेंद्र कौशिक की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना ऐसी महामारी जिसने एक साल पहले पूरी दुनिया को सख्ती में ला दिया था और भारत में भी इसकी रफ्तार तेजी से बढ़नी शुरू हो गई थी। 22 मार्च 2020 वो एक ऐसी तारीख थी जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरे देश भर में जनता कर्फ्यू लगाने का आह्वान किया गया था, और वो इसलिए कि ताकि पूरे देश को एकजुट इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए किया जा सके। लेकिन अब एक साल बाद किस तरह के हालात हैं मैं आपको दिखा देता हूं। ये बल्लभगढ़ की तस्वीर है, यहां ये बाज़ार आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से बाज़ार अब खुल चुके हैं। लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद में धीरे धीरे फिर अनलॉकडाउन शुरू हुआ। अनलॉक शुरू होने के साथ साथ ही लोगों की जो आजीविका थी वो धीरे धीरे पटरी पर आई, लेकिन इस बीच पूरे साल में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। इस उतार चढ़ाव के बीच में जो रोज़ाना अपनी दुकान चलाकर आजीविका कमाने वाले सबसे ज़्यादा उन पर आर्थिक बोझ भी पड़ा, और इसी बीच में अब जब पूरा एक साल हो गया है ऐसे में कोरोना की वैक्सीन भी आई, और कोरोना की वैक्सीन आने के साथ साथ में कहीं ना कहीं एक बार फिर दोबारा से कोरोना की वेव कहें तो लहर फिर शुरू हो रही है। और लेकिन लोगों के बीच में लापरवाही भी उतनी ही बढ़ी हुई है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिश की जा रही हैं, एडवाइजरी जारी की जा रही है, और साफ कहा जा रहा है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन लगातार हालांकि लगवाने के लिए प्रशासन अपील कर रहा है, सरकार अपील कर रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक बार फिर तमाम मुख्यमंत्रियों से बात करनी पड़ी और सख्ती बरतने के लिए कहा गया। लेकिन इस बीच में लोगों की जो लापरवाही है वो कहीं इस कोरोना को एक बार दोबारा ना बढ़ा दे, इस ये तमाम ऐसी चिंताएं हैं जो कहीं ना कहीं अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और राजनेताओं के माथे पर सिकन के तौर पर दिखाई दे रही हैं। एक साल पूरा होने के बाद में अब हालात जब सुधार की तरफ हों और दोबारा से एक बार फिर दोबारा अगर कोरोना की वेव सामने आ रही हो तो ऐसे में बचकर रहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाकर रहना बेहद जरूरी है। बल्लभगढ़ से देवेंद्र कौशिक, इंडिया। राष्ट्रीय जागृति महिला मंच की तरफ से होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें महिलाओं ने जमकर मौज मस्ती की। इस दौरान महिला जागृति मंच की पूरी टीम ने डीजे की धुन पर नाच गाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका शर्मा ने कहा कि होली भाईचारे का प्रतीक है, इसे सभी मिलजुल कर मनाना चाहिए। एंड वी ऑल लव अंबिका जी सो मच, बिकॉज हम जैसे छोटे लोगों को भी ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देती है, व्हेन वी एंजॉय इट वेरी वेल। बिल्कुल बहुत बड़ी हस्ती है, हम सब मेडिकल ऑफिसर है और एक नारी शक्ति का स्वरूप है। हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, ये हमें समय समय पर याद करते हैं और शी अलाउज अस टू एंजॉय फुलेस्ट। थैंक यू अंबिका जी, वी लव यू। थैंक्स, ये इतना सुंदर सम्मान देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अभी होली के शुभ अवसर पर ओ रंग रसिया रंग रस। उधर पलवल में घरों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के तीन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरोह से जुड़े एक चोर को पहले ही पकड़ा जा चुका है। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से एक सिलेंडर, एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन और 2000 रुपये कैश बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले तीन आरोपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग जगह मौजूद हैं, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में हैं। कुछ ऐसी सूचना मिली पुलिस को और मामले में पुलिस ने एक्शन लिया और दोनों जगह दबिश देकर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों ने अपने एक साथी के साथ मिलकर बीते 30 दिसंबर 2020 को हुड्डा सेक्टर 2 पलवल की रहने वाली आरती पत्नी नरेश के मकान के ताले तोड़कर 22,000 रुपये की नकदी, 2 अंगूठी, 1 छल्ला और 1 चैन चोरी की थी। जिस संबंध में पीड़िता आरती की शिकायत पर 31 दिसंबर को मामला दर्ज किया गया था।
फोटो बना हुआ जी। तो पुलिस ने तीन चोरों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने बीते साल दिसंबर महीने में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और जब गिरफ्तार करके इन लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। तो चोर गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है और तीन चोरों को गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज में यहां पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।